हेलो फ्रेंड्स, ओपन योर विकास जनरल नॉलेज वर्कबुक एंड गो ऑन पेज नंबर 21। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, वी विल लर्न अवर 11th लेसन एंड दैट इज सम प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इस लेसन में हम देखेंगे कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारी इतिहास की विरासत है। आज से लगभग 1000 साल पहले या उससे भी पहले इनका निर्माण किया गया है और ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है जिससे हमारे महाराष्ट्र की पहचान है, भारत की पहचान है। तो इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, ऐसी कुछ इमारतें, फोर्ट्स पाए जाते हैं जो कि लाजवाब है, जिसका निर्माण बहुत सालों पहले किया गया है। तो उनमें से ही कुछ 10 प्लेसेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको पिक्चर दिया गया है और उस पिक्चर से रिलेटेड वो कौन सा प्लेस है वो आपको पहचानना है। ओके, इसके साथ उसकी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम देखेंगे। देखिए, पिक्चर्स ऑफ सम फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री आर गिवन बिलो। अंडर ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट। यहाँ पर आपको पिक्चर दी है और पिक्चर देने के बाद आपको उसके बारे में उसका जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फर्स्ट नंबर को पिक्चर दिख रहा है जो कि पत्थरों में जिसका काम किए वाला है, पत्थरों को स्क्रैच करके वहाँ पर खुदाई करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या पहचान सकते हो आप ये कहाँ का है? दिस आर अजंता केव्स। ये अजंता की गुफा है जिसको हम अजंता लेनी कहते हैं, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आपने एलोरा एंड अजंता केव्स के बारे में सुना होगा। अजंता केव्स औरंगाबाद से कुछ किलोमीटर दूरी पर है और पत्थरों में जिसकी खुदाई की गई है और इसका बनाने का समय आज से लगभग 400-500 साल से बहुत पुराना है। एक ही पत्थर में इसकी खुदाई करके ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। वो तो ये क्या है, अजंता केव्स यानी अजंता की गुफाएँ। सेकेंड है ताजमहल। लगभग सबको ताजमहल के बारे में जानकारी है जो कि वाइट मार्बल में यमुना रिवर के किनारे बनाया गया है, जो कि आगरा पर है, आगरा में है। और आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ये एक मुमताज महल जो महारानी हुआ करती थी उनकी एक समाधि है, ये उनकी कब्र है, जो कि वाइट मार्बल में बनाई गई है। तो ये है ताजमहल, फर्स्ट अजंता केव्स एंड दूसरा है ताजमहल एट आगरा। उसके बाद यहाँ पर और दो पिक्चर नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, बहुत ही पुराना मंदिर एक दिखाई देता है जो कि कोणार्क से है। ये कहाँ का टेंपल है, ये जो आप देख रहे हो, ये टेंपल कहाँ का है? कोणार्क का। अक्सर में ये एक सूर्य मंदिर है, टेंपल ऑफ सन, सूरज का मंदिर है। इंडिया के ओडिशा जो स्टेट है उसमें, पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा स्टेट के पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये सूर्य मंदिर है कोणार्क का। बहुत ही फेमस है, पुरातन मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो एक स्तूप दिया है जो सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बेटवा रिवर के किनारे है। सम्राट अशोका जो महान किंग थे, उन्होंने 3rd शताब्दी में इसको बनवाया था। ये कौन सा है? सांची का स्तूप, स्तूप एट सांची। ओके, तो हमने 4 प्लेसेस के बारे में जानकारी लिए। अजंता केव्स औरंगाबाद के पास है, ताजमहल यूपी आगरा में है, कोणार्क ओडिशा पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। ओके, देन नेक्स्ट पेज। यहाँ पर 5th नंबर का पिक्चर आप देखिए, ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद दिल्ली में है जिसका निर्माण 1656 में किया है। एक मस्जिद है, मॉस्क है, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और ये शाहजहाँ जो कि मुग़ल एम्परर थे, उनके ज़माने में इसको बनवाया गया था दिल्ली में, जामा मस्जिद। ओके, देन 6th नंबर को है हवा महल। राजस्थान के जयपुर शहर में ये हवा महल है, लाल और गुलाबी पत्थर से बनाया गया, जिसका निर्माण किसने किया था, कारीगर कौन था? लालचंद उस्ताद। और जिस किंग ने इसको बनवाया था वो थे सवाई प्रताप सिंह, रजपूत राजा थे। यह है हवा महल जयपुर का, जयपुर राजस्थान का, यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर 7th नंबर,
ये खजुराहो टेम्पल्स है। खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है, क्या है उसकी स्पेशल, वो मध्य प्रदेश में है, जिनका स्ट्रक्चर लाजवाब है और आज से बहुत साल पहले इसका निर्माण किया गया था खजुराहो टेम्पल्स का। यहाँ पर 8 नंबर को आप देख सकते हो, यह है सेंट जेवियर्स चर्च जो कि गोवा में है। एक चर्च का, चर्च मीन्स जहाँ पर क्रिश्चियन लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, वैसे क्रिश्चियन चर्च में प्रार्थना करते हैं यीशु ख्रिस्त से। ओके, तो यह है सेंट जेवियर्स चर्च गोवा। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आप देख सकते हो चार मीनार, जिसके चार ये मीनार है, गुंबज है, तो इसलिए इसको कहा जाता है चार मीनार, जो कि तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में ये चार मीनार है। और ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 16th सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर विच इज़ इन पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट में ये गोल्डन टेम्पल है, सुवर्ण मंदिर। ओके, और यहाँ पर 11th नंबर का है मीनाक्षी टेम्पल यानी मीनाक्षी मंदिर। कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मतलब पार्वती माता का एक रूप है, उसको मीनाक्षी रूप में पूजा जाता है, और तमिलनाडु स्टेट के मदुराई शहर में, शहर का नाम है मदुराई, वहाँ पर ये मीनाक्षी टेम्पल है। और इस टेम्पल में देवी पार्वती का ये टेम्पल होने की वजह से यहाँ पर नवरात्रि उत्सव बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, यह है मीनाक्षी टेम्पल। ओके, और यहाँ पर लास्ट देख सकते हैं, यह है दिलवारा मंदिर्स, दिलवारा टेम्पल्स। ये क्या है, श्वेतांबर जैन टेम्पल्स है, यानी जो जैन धर्म के लोग हैं उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो लोग पंथ के लोग होते हैं, तो उसमें से श्वेतांबर पंथ के लोगों का ये टेम्पल है। और ये राजस्थान में है, राजस्थान स्टेट में माउंट अबू से 2.5 किलोमीटर दूरी पर इसका ये सिचुएटेड है, वो वहाँ पर है। ओके, ये दिलवारा टेम्पल्स। सो ये है इंडिया के कुछ टेम्पल्स, मॉस्क, कुछ इमारतें जो प्राचीन कालखंड से यानी बहुत सालों से ये हम देख टीवी में या हमने देखा, आपने देखा होगा, और जो हमारे भारत की पहचान है। इनमें से कई साइट्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को द्वारा उनको यानी संरक्षित घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आपके वर्कबुक में इनका नाम लिखना है, इसकी थोड़ी जानकारी हमने देखी है। ओके, सो प्रॉपर हैंड राइटिंग में आपको इनके नाम इनके दिए गए पिक्चर के नीचे लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।